हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया और उसकी मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया का शेप के रिगार्डिंग हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो उसका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है दोस्तों। तो हम बैक्टीरिया का पहले ही आपको बता देते हैं, बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, जिससे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप का इक्विपमेंट ज़रूरत होता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम बैक्टीरिया को हम देखते हैं, स्टेनिंग करके या विदाउट स्टेनिंग का भी देखते हैं। तो अलग अलग अनस्टेन अगर हम देख रहे हैं तो अनस्टेन देखेंगे बैक्टीरिया को, स्टेन करके देख रहे हैं स्टेन करके बैक्टीरिया को देखेंगे। लेकिन इसको हम हेल्प लेते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का। और जो इसकी साइज होती है, इसको हम साइज को जो नापते हैं माइक्रोन में नापते हैं, माइक्रोमीटर में नापते हैं इसकी हम साइज को। तो हम देखते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर। एक होता है मल्टीसेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर। तो ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। और जो ये बिलोंग करता है प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। प्रोकैरियोटिक मींस क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट जिसमें नहीं होते तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव कैरियोट, मतलब प्रिमिटिव माने पहले, या और कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो हमारे होते हैं, इसमें न्यूक्लियस हमारे जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते। इसमें और क्या नहीं प्रेजेंट होते, इसमें फ्यू ऑर्गेनेल्स, कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो इसमें प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया। कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होते बैक्टीरिया में। और इसमें क्या ना प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस। इसमें एक न्यूक्लियस, मेच्योर न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम कह सकते हैं या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया है, शेप के बेस पे। अगर हम शेप का देख रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी हम देख रहे हैं, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है, तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन कहीं लिखा हो या मॉर्फोलॉजी लिखा हो, उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर हम देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो अगर हम शेप के बेस पे देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी हमारा शेप के बेस पे हो गया। अगर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन की अगर हम देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, तो हमारा अलग क्लासिफिकेशन हो गया, जिसके हम बेस पे करते हैं स्टेन के बेस पे, कि कौन सा स्टेन एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा स्टेन नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा प्राइमरी स्टेन ले रहा है, कौन सा प्राइमरी स्टेन नहीं ले रहा है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है प्राइमरी स्टेन रिटेन कर लेता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन को रिटेन नहीं करता। तो अगर हम उसके बेस पे देख रहे हैं, अगर हम उसके कंपोनेंट पे देखेंगे, तो जैसे हमारे इंटरनल, हमारे एक्सटर्नल, हमारे कौन से ऑर्गेनल्स हैं वो उसके पार्ट्स हैं, और एक्सटर्नल कौन से हैं उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम आज जो क्लासिफाई कर रहे हो देखेंगे, शेप के बेस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम समझते हैं। तो जो इसमें शेप के बेस पे क्लासिफाई किया गया है कोकाई। कोकाई मींस होता है कोकोस। कोकोस मींस होता है बेरी। जो बेर होता है, बेर के आकार का जो शेप में होता है, उसी को बोलते हैं कोकाई। या ओवल शेप में हो या स्फेरिकल शेप में हो, डिप्लोकोकाई। दोस्तों कोकाई होता है जब हमारे एक से ज़्यादा हमारे जो हो बैक्टीरिया कोकाई के, मतलब हमारे जो ओवल शेप या स्फेरिकल शेप जो हमारे बैक्टीरिया है, अगर एक से ज़्यादा है तो हम कोकाई वर्ड यूज करेंगे। कोकस यूज तब वर्ड अगर यूज करेंगे जब सिंगल हो। तो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस मींस होता है कि अरेंज इन पेयर। जब अरेंजमेंट जिसका होगा दो के साथ होगा, दो में साथ में होगा, जैसे हमारे हो गया क्या, डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकाई ये चैन के फॉर्म में अटैच हमारे होगा, जैसे अरेंजमेंट इसका कैसा होगा, चैन के फॉर्म में। तो दोस्तों जो हमारा कोकाई होता है, जो डिप्लोकोकाई हमारा होता है, डिप्लोकोकाई के जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, दो के पेयर में। स्ट्रेप्टोकोकाई कैसा होता है, चैन के फॉर्म में होता है। स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस कैसा होता है, क्लस्टर कैसा, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उसके फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। टेट्राइड कैसा होता है, जब हमारे जो कोकस हैं, कोकस हमारे अगर चार मिल जाए एक साथ में, तो हमारे क्या हो गए, टेट्राइड, ग्रुप ऑफ फोर्स। सार्सिना जब हमारे ग्रुप आठ का हो जाएगा, जब कोकस हमारे मिल के आठ बनेंगे एक साथ में, तो उसे बोलेंगे सार्सिना। हम यही स्ट्रक्चर में देखते हैं यहाँ पे। तो इसका अरेंजमेंट हम देखते हैं कोकाई कैसा है। अरेंजमेंट पहले आपको मैंने बताया, सिंगल फॉर्म में होगा बैक्टीरिया जिसे बोलेंगे कोकस, डबल में हुआ तो डिप्लोकोकाई। इस्टे फाइलोकोकाई कब बोलेंगे, जब क्लस्टर फॉर्म में होगा, अंगूर के गुच्छे के आकार का होगा तब। स्ट्रेप्टोकोकाई कब बोलेंगे, जब ये अरेंजमेंट इसका कैसा होगा, चैन के फॉर्म में। सार्सिना कब होगा, जब आठ हमारे कोकस प्रेजेंट होंगे ऐसे इस फॉर्म में तब। और टेट्राइड कब होगा, जब फोर होंगे तब। अब हम इसके आगे देखते हैं बैसिलाई। बैसिलाई का हम कैसा होता है शेप, इसका रॉड शेप में होता है। कोकाई कैसा था, राउंड शेप या रॉड शेप। तो बैसिलस मीन्स क्या होता है, रॉड। तो इसका शेप कैसा होगा, रॉड शेप में होगा।
तो रॉड शेप में डिफरेंट टाइप के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उसके हम देखेंगे इसमें। कोको बैसिलस जो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर उसका होगा, बैसिलाई रॉड शेप में होता है तो ऐसा सिंगल हमारा बैसिलस होगा। अब उसके बाद डिप्लो बैसिलस हो गया तो ये डबल फॉर्म में होगा, रॉड शेप में दो होगा। और पहली सेट्स के फॉर्म में देखेंगे तो फोर हमारे होंगे इस फॉर्म में होंगे। और स्टेप्टो बैसिलाई देखेंगे तो हमारे चैन के फॉर्म में हमारे इस तरह से रॉड शेप में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा ऐसा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम चाइनीज लेटर में देखते हैं। चाइनीज लेटर में हमारे एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है ये चाइनीज लेटर में होता है, जैसे चाइना के लेटर ना चाइनीज वाले जैसे लिखते हैं उस टाइप में होता है, जैसे हमारे ऐसे एंगल शेप में होता है, ये चाइनीज लेटर है दोस्तों। तो हमारे चाइनीज लेटर में हमारे अरेंजमेंट होते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के, तो हम बोलेंगे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया चाइनीज लेटर में होता है। और हम इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं कॉमा शेप में। कॉमा शेप में क्या होता है, कॉमा शेप से ही पता चल रहा है कि कॉमा जैसे हम यूज करते हैं कॉमा वैसा आकार का होना चाहिए। तो कॉमा शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं उसे बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा कैसा होता है, कॉमा के शेप में उसका अपीयरेंस हो कर्व की तरह या कॉमा की तरह हमको कैसा दिखता है, ये कॉमा शेप वाला बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा। अब हम देखते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला जो बैक्टीरिया आता है स्पाइरिला स्पाइरल शेप में होता है, जिसे बोलते हैं स्पाइरिलम। क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम। रिजिड स्पाइरल फॉर्म में होता है, इसे बोलते हैं स्पाइरल शेप में स्पाइरिलम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा शेप हमारे हो जाए स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स में क्या होता है, सिलेंडर फ्लेक्सल स्पाइरल फॉर्म, ये भी स्पाइरल फॉर्म में होता है। अब हम यहाँ पे शेप में हम देख लेते हैं कि स्पाइरल जो बैक्टीरिया हमारे होते हैं, विब्रियो कोलेरा आपको देख लो कॉमा के आकार का दिखता है जिससे विब्रियो कोलेरा होता है। स्पाइरिलम जो स्पाइरल की तरह दिखता है ऐसे करके वो हमारा हो गया। स्पायरोकिट्स, स्पायरोकिट्स भी हमारा क्या जैसे कॉइन होता, कॉइन एक पे एक कॉइन रख दो ऐसे हमारा क्या हो स्पाइरल शेप में ऐसे बना होता है, तो इसे बोलते हैं स्पायरोकिट्स। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे वाले लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं आपको हम बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे।